नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। कुमायूं मंडल स्वास्थ्य निदेशक ने किया जसपुर चिकित्सालय का औचक निरीक्षण। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से है, जहां कुमायूं मंडल स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर NS गुंजाल ने CAC जसपुर का औचक निरीक्षण किया। चिकित्सालय की चुस्त दुरुस्त सेवाओं को देख बेहद खुश नजर आए। साल में मुख्य तौर से सर्जन, फिजिशियन एवं अन्य विशेषज्ञों की कमी को शीघ्र पूरा करने की भी बात कही। चिकित्सालय निरीक्षण के दौरान वार्डन का निरीक्षण किया, मरीज से हालचाल मालूम किए। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरेन्द्र मोहन गहलोत ने बताया कि निरीक्षण के समय अस्पताल में सभी बेड फुल थे। अस्पताल में हो रहे काम में साफ सफाई को देखकर निदेशक ने चिकित्सा अधीक्षक सहित अन्य स्टाफ को शाबाशी दी। क्षेत्रवासियों ने अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति करने की मांग की। कहा कि शासन में अस्पताल को अपग्रेड कर 50 बेड करने की जनता की मांग पूरी करेंगे। यहां डॉक्टर आशु सिंघल, डॉक्टर विनय, AB भट्ट, राहुल चौहान आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। व्यवस्था सुधारने के लिए स्टाफ का पोजीशन देख रहा हूं मैं, स्टाफ के यहां कमी है अभी। जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया, फार्मेसिस्ट एक ही है, ठीक, और कुछ लोग जैसे यहां है भी, जैसे वार्ड बॉय वगैरह, वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। इस तरह की परेशानियाँ इनको देखना है। बाकी अभी अंदर और विजिट करना, मुझे अभी वार्ड वगैरह देखना कैसा है। फिलहाल और साहब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। वैसे कुछ चीज़ सुधारनी पड़ेगी, वो उसके लिए हम बताएंगे इनको। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम उसमें नहीं है। 40 घंटे रहते हैं मरीज जी, 40 घंटे में रहेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा। तो वहाँ अलग से बजट आता है ना, तो CMO ऑफिस रहेंगे तो यहाँ से आप लोग नाम फॉरवर्ड करेंगे, नाम जाएगा आपको, कुछ दिन में मिल जाएगा, कम जाएगा सर। देखा जा रहा है इससे तो 40 घंटे का ऐसे रहना चाहिए। 40 घंटे में भी कुछ लोग थोड़ा पहले भी चले आते हैं, तब भी कंसिडर कर लेते होंगे। क्यों बजट लेवल जैसे वहाँ पे आप जो भी पेशेंट है ना, लाभार्थी, वो यहाँ पे मिलते रहेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। यहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, उनके पास आधार कार्ड जो भी है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, वो हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे, जल्दी मिल जाएगा। फिर आगे लिखा पढ़ी करेंगे जितना हम हमारे तरफ से बनता है। बाकी जो जिसमें चिकित्सक भेजने हैं वो शासन से और प्रशासन हमारा आज का देना है। हमारे DG ऑफिस वाले भी हाथ खड़े कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो है सचिवालय और ऊपर जो हमारे मंत्री लेवल है वहीं से ये नियुक्तियाँ हो रही है, सर नियुक्ति या ट्रांसफर जो हो रहा है वहीं से हो रहा है। बता दें सर कि कोई ऐसा अटैचमेंट भी ना करें। इसमें हम कोशिश करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, जो कमी होगी उसमें पूरी की जाएगी। एक्चुअली हमारे हाथ बांध दिए गए हैं, यदि कहीं से अटैचमेंट करना होता तब भी हम कोशिश करते हैं अपने लेवल में। अब हम ऊपर लिखा पढ़ी करेंगे जहाँ से होता है, सचिवालय और हमारे निदेशालय से, महानिदेशालय से, तब जाके हम आगे बता पाएंगे कि कब तक आएंगे। डॉक्टर NS गुंजाल का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में आज औचक निरीक्षण था। जब वो आए तो मैं OT में था, उससे पहले काफ़ी अस्पताल देख चुके थे निरीक्षक साहब, और हमारी व्यवस्था और जो सुधार से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने सबके सामने तारीफ भी की। उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल की समस्याएं सुनवाई कि सर हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है, जो पीडियाट्रिशियन, सर्जन, फिजिशियन, वार्ड बॉय, LT, उनकी कमी को दूर करने के लिए हमने उनके सामने गुजारिश की है, और उन्होंने हमें बहुत आश्वासन दिया है कि वो जल्दी ही इन समस्याओं को दूर करेंगे। महिलाओं को 48 घंटे के बाद, जो हमारी गर्भवती माला जो महिलाएं हैं जिनकी डिलीवरी होती है, वो अगर 48 घंटे से ज़्यादा यहाँ रुकती हैं तो उनको 2000 रुपये या वही स्कीम के तहत जो सरकार ने कर रखी है एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि उनको 1000 या 1400 रुपये मिलते हैं। उसके अलावा अभी काफ़ी दिन से थोड़ा बजट नहीं आया हुआ है, ये पूरे ज़िले की ही हमारी समस्या है। तो जैसे ही बजट आ जाएगा उनका सबका भुगतान कर दिया जाएगा। बाकी JSY में हम बिल्कुल अप टू डेट चल रहे हैं कि हमारा 24 घंटे के अंदर हम पेमेंट कर दे रहे हैं।